फाइव पॉइंट कम्प्लीट सिक्स पॉइंट आपने बुलेट प्रूफ कम्प्लीट कर लिया कि बुलेट प्रूफ कार डिज़ाइन कैसे किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया बुलेट प्रूफ टायर हो गया और बुलेट प्रूफ के साथ साथ आपको फायर प्रूफ क्लॉथ का डिज़ाइनिंग भी सीखे तो वो भी तो साइंस है और है तो जनरल नॉलेज फायर प्रूफ क्लॉथ्स जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बुलेट प्रूफ हेलमेट कार आर्मी के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है नॉट के प्लेट से बनता है नॉ वैसे ही फायर प्रूफ जो है सो सिक्स पॉइंट का प्लानिंग देती समझिए जैसे एलमुनीय फॉइल ये रहता है किचन में मेरे किचन में भी रहता है आपके घर में किचन में भी यूज होता है होटल में यूज करते हैं एलमुनियम फॉइल मिलता है जनरल स्टोर पे कहीं भी आप जाएंगे हंड्रेड रुपीज का सीट आता है एलमुनियम फॉल्ट रोल किया हुआ रहता है वो ईजिली है समझिए तो एलमोनियम फॉल्ट एल्मोनियम फॉल मार्केट में मिलता है ठीक है वो एक्चुअली एल्मोनियम फॉल हम लिखते हैं बट वो होता है एलुमोनियम सल्फेट एलमोनियम सल्फेट ये हर जगह इजिली अवेलेबल है ए एल टू फोर का होता है ये है एलमोनियम सल्फेट किचन में रहता है होटल में भी यूज करते हैं एलमुनियम फॉल एलमोनियम पैकेट तो एलमुनियम फॉल एलमोनियम सल्फेट है ये एक आइडियोबैटिक मटेरियल है आइडियाबैटिक ये फिजिक्स का टर्म है आइडियाबैटिक मटेरियल तो ये एल्मोनियम फॉल जो हम लोग देखे हैं किचन में रहता है इजली अवेलेबल है कोई भी जनरल स्टोर से जाके एल्मोनियम फॉल एलमोनियम सीट आप ले सकते हैं अच्छा अब किचन में हम लोग के किचन में कहाँ यूज होता ठीक है।, है ठीक है तो अल्मोनियम फॉल जो है अब नहीं यूज होता है पहले यूज होता था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो पढ़ता है डी में डी पटना में तो उसमें अलाउ नहीं है उसमें अल्मोनीय फॉल अलाउ नहीं है उसमें टिशू पेपर अलाउ करते हैं ठीक है वो टिफिन बॉक्स जो होता है थोड़ा सा आइडोवेदिक मटेरियल का या आइसोलेटेड टिफिन बॉक्स एलाउ करते हैं बट एलमोनीय फॉल वहाँ पे बैंड एलमुनियम फॉल बैंड है बट अदर स्कूल में जो है जो एलमुनीम फॉल पहले हम लोग यूज होता था उ, उसका अप्लीकेशन देखिए जैसे लंच बॉक्स रेडी करना है किड्स के लिए बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना होता था तो मान लीजिए उनके लंच बॉक्स जो टिफिन पैक करते थे तो कोई भी हॉट फूड है जो आप जो भी कुक किए हैं हॉट फूड है जैसे कुछ भी जो सब्जी बन गया पराठा बन गया तो वो जो फूड है फूड को लेकर के जैसे बॉक्स में पैक करने से पहले वो एलमिनियम फॉल ये पूरा फॉल में लपेट देते थे ये कॉन्सेप्ट आज भी चलता है आज भी होटल से अगर आप कोई पैकिंग कर रहे हैं होटल में जा उससे फूड पैक कर रहे हैं और होम डिलीवरी के लिए करते हैं तो एलमिनियम फॉयल में वो पैक कर देते हैं कोई पराठा रोटी लेते हैं तो उसको एलमिनियम फॉल में लपेट के दे देते हैं वो एक आइडोबेटिक मटेरियल एलमिनियम फॉल में होता है एडिबेटिक मटेरियल का मतलब है कि मान लीजिए हॉट फूड है और ये हॉट फूड का टेम्परेचर है मान लीजिए इसका टेम्परेचर है सिक्सटी डिग्री सेंटिग्रेट और बाहर बाहर का एयर है तो एयर का टेम्परेचर बाहर में एयर का टेम्परेचर है मान लीजिए अभी एयर का टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एयर का तो हीट यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगा बट अगर एलमोनियम फॉल से लपेट दीजिएगा अगर एलमोनियम के फॉल से उस फूड को ऐसे जस्ट कवर कर दीजिए तो हीट ट्रांसफ़र रोक देता है जीरो तो नहीं कर देता है बट हीट ट्रांसफर मिनिमाइज कर देता है मतलब यहाँ से हीट का यहाँ पे ट्रांसफर ये हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है एलमोनियम फॉयल एक आइडियाबेटिक मटेरियल है जो कि हीट ट्रांसफर रोकेगा हीट हॉट हाई टेम्परेचर डो लो टेम्परेचर फ्लो करता है जो नेचुरल प्रोसेस है तो वो रोक देता है कुछ देर के लिए रोकता है इसलिए एलमोनियम फॉइल लंच बॉक्स पैक करने में यूज होता है कि लंच बॉक्स जैसे है घर में नौ बजे खाना बना तो उसको एलमोनियम फॉल में पैक करके टिफिन बॉक्स में डाल दिए डाल करके जस्ट सिल कर दिए तो वो एक बजे दो बजे तक भी गर्म रहता है गर्म रहेगा उतना गर्म नहीं रहेगा बट रहता है गर्म रहता है ये अल्मोनियम फॉल का प्रॉपर्टी है कि आटोबेटिक वॉल ये वॉल बना देगा जिससे कि हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा खाना गर्म रहता है बट कई मैंने बताया कि कई स्कूल में इस पर बैन लगा हुआ कि नहीं आप नहीं यूज कर सकते हैं एलमोनियम फॉल एलमोनियम बहुत अच्छा मेटल थोड़ना है एलमोनियम बोलते हैं कि एल्मीनियम बहुत अच्छा मेटल नहीं है वो बॉडी में जाता है एलमोनियम का फॉल अगर थोड़ा सा भी पार्ट गया है तो वो डैमेज ही करता है एलमोनियम हेल्थ के लिए अच्छा मेटल नहीं है आपको तो एलमोनियम फॉल जो है वो बट यूज होता है हर जगह अवेलेबल है बड़े बड़े होटल्स में भी फूड जब आप पैक करते हैं तो एलमोनियम से फॉल में या एलमियम का बैग होता है उसमें जस्ट फूड को पैक करके कर देते हैं या कई प्लेट्स भी देखते हैं अगर प्लेट्स में एलमोनीम कोटेड रहता है होटल में भी कई स्वीट्स दुकान में भी रहता है कि हॉट फूट के लिए एल्मोनियम का प्लेट यूज करते हैं कि वो आर्योवेडिक सिल्ट करता है आर्वेडिक मटेरियल है जो हीट ट्रांसफर को रोकता है ये जानते हैं ठीक है अब ये आप समझ जाए हीट ट्रांसफर को रोकना ये एल्मोनियम फॉल है एलमोनियम फॉल इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये ए एल टू एल्मोनियम सल्फेट तो ये चीजें तो समझ में आ रहा है ये चीजें समझ में आ रहा है ठीक है अब दूसरा इसी का रिवर्स कर लीजिए कि अगर कोई आदमी है ठीक अगर कोई आदमी सोचे ऐसे, अगर कोई आदमी है ये बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड है ना थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स अब इसको क्या कर दीजिए कि इस बॉडी को पूरा बॉडी को जो है एकदम सिल्व कर दीजिए चारों तरफ से एलुमिनियम फॉल से कवर कर दीजिए सोचिए कि ये पूरा बॉडी को एल्युमिनियम फॉल से कवर कर दीजिए एल्युमिनियम मेटल है और उसका मोटा सा प्लेट लेकर के पूरा बॉडी को कवर कर दीजिए तो ये सब अपने से खुद रिलेट कीजिए एल्युमिनियम फॉल घर में सब लोग जानते हैं अब पूरा बॉडी को इसके जो मैन है उसके पूरे बॉडी को हेड से लेकर के लेग तक पूरा बॉडी को कवर कर देना है लीजिए एलमुनियम के फॉल से कवर कर दीजिए ठीक है हो गया कवर और कहीं आग लगा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे फायर है यहाँ कहीं आग लगा हुआ है जो फायर है और वो फायर का टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं फायर है कहीं रूम में आग लगा हुआ है तो फायर ब्रिगेड का जो टीम होता है जो फायर ब्रिगेड के टीम वाले हैं मान लीजिए ये हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है तो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और ये एल्यूमिनियम फॉल से कवर रहेगा तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा एल्युमिनियम फॉल क्या है एक आइडोवेटिक मटेरियल है जो हीट ट्रांसफर को रोकता है ये हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो को रोक देता है जो कि सबको समझ में आता है घर में किचन में यूज होता है होटल में यूज होता है और इजिली अवेलेबल है ये आप जानते हैं वही मटेरियल को अगर हम लोग कवर देखिए सेम मटेरियल नहीं है वो तो वो इतना रहता है कि अगर सौ डिग्री सैठ डिग्री पर गल जाएगा वो तो पतला प्लेट पत मतलब एकदम पेपर की तरह रहता है बट उसी मटेरियल का थिक मोटा कपड़ा बनाया जाता है उसी मटेरियल का कई लेयर बना के मोटा कपड़ा बना करके वो पूरा जैकेट टाइप का बनाते हैं पूरा जैकेट बना करके जस्ट वो कवर कर लेंगे अब फायर ब्रिगेड का जो टीम होता है फायर ब्रिगेड जो वर्क करते हैं ऑफिसर जो होते हैं उनको आग बुझाने में कूदना पड़ता है देखते हैं फायर ब्रिगेड में बोलते हैं लोग फायर ब्रिगेड में जैसे आग लगा हुआ है वो रेस्क्यू करना है बीच में आग के बीच में जा कर के जस्ट लाइफ को सेव करना होता है तो ये लोग जो हैं वो फायर प्रूफ क्लॉथ आता है फायर प्रूफ क्लॉथ जो बनता है वो इसी मटेरियल से बनता है एलमोनियम सल्फेट जनरल नॉलेज है ना जैसे आपने बुलेट प्रूफ पढ़ लिया बुलेट प्रूफ पढ़ लिया तो आप फायर प्रूफ भी पढ़ लीजिए वो भी तो साइंस का पार्ट है तो फायर प्रूफ क्लॉथ जो होता है डिज़ाइन किया जाता है एलमोनीम सल्फेट से क्योंकि इसका पूरा पूरा हेड से लेकर के कैप से लेकर के सूच तक आता है एलमुनियम सल्फेट का आता है वो आयोवेटिक मटेरियल है मेटल है आग में चलेगा भी नहीं मोटा लेयर बनाया जाता है मोटा लेयर बना करके और एडियोमेटिक मटेरियल है तो कुछ देर के लिए तो हीट ट्रांसफर को रोकता ही नहीं एक घंटे के लिए एक घंटे नहीं आधे घंटे में भी तो रेस्क्यू तो कर लेता है लोग बस आग आग में खुदा देखा कोई है तो बचा के लाना होता है तो ये फायर ब्रिगेड के टीम के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है फायर प्रूफ क्लॉथ्स वो है एल्मीनियम सल्फेट उसके डिजाइन उसी से बनता है आपका तो एलमुनियम का फॉयल ही है कोई हीट यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं जैसे खाने में तो समझ में आ रहा है कि फूड में जस्ट लंच बॉक्स पैक होता है अल्मोनियम फॉल से एक्जैक्टली सेम है अंदर में ह्यूमन बॉडी कर दीजिए बाहर में फॉल लगा दीजिए कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा ये जो एलमिनियम फॉल है आयुर्वेदिक मटेरियल होगा जब हीट ट्रांसफर नहीं रहेगा तो सेफ रहेंगे तो आइडियल तो नहीं होता ना कोई भी चीज ये नहीं कि अब ये है हंड्रेड परसेंट ही ट्रांसफर नहीं कुछ देर तक रोकता है कुछ देर तक रोकता है ये भी कुछ देर देर तक रोक देगा में तो, तो एल्यूमियम सल्फेट जो होता है यूज इन डिजाइन ऑफ फायर प्रूफ क्लॉथ एल टू एस ओफ फोर का होल थ्रेस। एलुमियम सल्फेट, यूज एंड डिजाइन ऑफ फार प्रूफ क्लॉथ हुए नेक्स्ट क्या क्या बचा हुआ एक तो सिलिका और डायमंड चलिए उनको भी कंप्लीट करते हैं सेवन सेवन में uh, सिलिका एस आई ओ टू सिलिकेट कहिएगा सिलिकेट एस आई टू या आप इसको जानते हैं कि एस आई ओ टू का होल एन लिखते हैं ये रॉक है और ये वेरी वेरी हार्ड ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेरी वेरी हार्ड डोडो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानते हैं आप सिलिकेट के बारे में तो सिलिकेट एस आई ओडू का होल एन है सो so आप फिगर बना लीजिए इसमें तो ऐसे बना लेंगे ये है एस आई ऐसा नो ऑक्सीजन सब so, पढ़े हुए हैं आप तो सब जानते हैं आप रॉक पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर इस सो so, इसके जो फोर बॉन्ड होते हैं तो फोर बॉन्ड में ऐसे दिखाना है आपको पॉलीमर so स्ट्रक्चर होता है आप जानते हैं कि ये पॉलीमर स्ट्रक्चर ऐसे बनती रहेगा आपका पूरा चेन बनेगा तो यह है sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो ये सिलिकेट पॉलीमर so, स्ट्रक्चर जो होता है उसके चलते रॉक जो होता है वेरी वेरी हार्ड हो गया सेम कॉन्सेप्ट होता है डायमंड डायमंड का भी नेक्स्ट एट डायमंड कार्बन लेना है और इसका हाइब्रेशन रखना है एसपी थ्री कार्बन एसपी थी ये डायमंड हुआ वेरी वेरी हार्ड कंपाउंड डू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो डू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर हार्डेस्ट कंपाउंड इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पूरे साइंस का जो हार्डेस्ट कंपाउंड है वो डायमंड हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 6400 डायमंड उसका तो मेल्टिंग पॉइंट सिक्सटी फोर हंड्रेड डिग्री सबसे हार्ड कंपाउंड सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है सो so, जो भी साइंस में जो भी मटेरियल है उसमें हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का सेम स्ट्रक्चर जैसे थ्री स्ट्रक्चर होता है आपका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चलते यहां पे आप बना लेंगे कार्बन और ऐसे बनाएंगे ऐसे बना लीजिए तो यह है डायमंड जो कार्बन का हाइब्रेशन है sp3 थ्री दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है सिलिकेट एंड कार्बन डायमंड जो हो गया एक जैसा स्ट्रक्चर इसलिए वेरी हार्ड कम हुआ डायमंड में नेक्स्ट थोड़ा यूनिट आपको जानना है प्योरिटी ऑफ डायमंड और प्योरिटी ऑफ गोल्ड ये भी जनरल नॉलेज का ही है जो लेक्चर एनिक पॉइंट का जो लास्ट लेक्चर है ना वो एक जनरल नॉलेज के लिए है आपका सो so, हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ डायमंड डायमंड जब मार्केट में आप परचेज करने जाते हैं डायमंड का रिंग लेते हैं डायमंड ज्वेलरी लेते हैं तो उसका जो बिलिंग होता है उसमें यूनिट लिखा रहता है यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ डायमंड कैरेट कैरेट गोल्ड का प्योरिटी भी कैरेट में ही मेजरमेंट करते हैं बट दोनों का मीनिंग अलग है दोनों का सेंस अलग होता है तो आप यहां पे समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ डायमंड वो कैरेट यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ डायमंड डायमंड का प्योरिटी का यूनिट कैरेट होता है गोल्ड का भी कैरेट है बट दोनों का मीनिंग अलग है दोनों का मीनिंग अलग होता है जैसे वन कैरेट डायमंड, वन कैरेट सिंगल डायमंड इसका मीनिंग जो होता है वन कैरेट सिंगल डायमंड इसका जो मीनिंग डायमंड का मीनिंग जो होता है वो अमाउंट ग्राम में होता है जो इसका प्योरिटी या मेजरमेंट होता है वो ग्राम में इसका मीनिंग हुआ 200 हंड्रेड मिलीग्राम टू हंड्रेड मिलीग्राम वन कैरेट डायमंड का जो मीनिंग है मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं वन कैरेट डायमंड का रिंग ले रहे हैं आप तो उसका मतलब है कि जो डायमंड का जो वेट है वो 200 मिलीग्राम बहुत छोटा है भाई 200 मिलीग्राम नियरली पॉइंट टू ग्राम पॉइंट टू ग्राम इतना छोटा साइज का होता है बहुत छोटा डायमंड है तो ये है कैरेट ये कैरेट फॉर प्योरिटी ऑफ डायमंड ऐसे सिंगल डायमंड का ये यूनिट फॉर कैरेटी प्योरिटी ऑफ डायमंड तो कैरेट डायमंड का जो कैरेट होता है वो वेट को मेजर करता है कि वन कैरेट सिंगल डायमंड ले रहा है एक सिंगल डायमंड ले रहा है वन कैरेट का तो वो है टू हंड्रेड मिलीग्राम ये जानना है आपको और जनरल नॉलेज है आपको और जैसे आपने प्लान किया कि मुझे एक फिंगर रिंग लेना है मान ली आपने प्लान किया कि मुझे एक वन वन कैरेट वन कैरेट का आपने सोचा कि प्लान किया कि मुझे एक वन कैरेट का सिंगल डायमंड लेना और सोचा आपने कि वन कैरेट सिंगल डायमंड का आप रिंग ले लें ऐसा मान ली आपने प्लान किया कि एक रिंग लेना है और एक रिंग लेना है और रिंग में एक डायमंड चाहिए डायमंड अटैच होना चाहिए और वन कैरेट डायमंड तो इसका जो वेट मैंने बता दिया गोल्ड का तो अलग प्राइस लगता है गोल्ड का अलग तो क्योंकि रिंग जो बनेगा वो तो गोल्ड के फ्रेम में अटैच रहता है डायमंड तो गोल्ड का अलग प्राइस होता है वो मैं समझा दूंगा तुरंत आपको इसके बाद और इसका मतलब ये है समझ जाना है कि ये डायमंड का जो वेट हुआ 0.2 ग्राम और नियरली जो है अप्रोक्सीमेटली वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है बट जो मोस्ट कॉमन प्राइस है मान लीजिए कि ये मार्केट में फिफ्टी थाउजेंड का आता है ये अमाउंट आप समझ गए कि अमाउंट जो हुआ वो 200 मिलीग्राम का छोटा सा डायमंड होता है वो गोल्ड के फ्रेम पे अटैच रहेगा वो डायमंड उस डायमंड का प्राइस जो होगा वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पचास हजार के रेंज में वन कैरेट डायमंड का आता है बट आप आप सोचेंगे कि प्लान किया कि नहीं मुझे तो वन कैरेट नहीं छोटा लग रहा है और सोचेंगे कि आप टू कैरेट आप टू कैरेट का सोचेंगे कि टू कैरेट मैं सिंगल और सिंगल डायमंड ले लूँ आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा डायमंड थोड़ा बड़ा चाहिए मतलब आप रिंग लेना चाह रहे हैं रिंग का साइज तो वही है बट डायमंड सोच रहे हैं कि डायमंड थोड़ा सा बड़ा रहे थोड़ा सा साइज बड़ा रहे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो साइनिंग ज़्यादा आएगा उसमें तो जैसे ही आप टू कैरेट डायमंड पे जाएंगे तो आपके मन में लग रहा होगा कि अरे डबल हो जाएगा पैसा पचास हज़ार की जगह एक लाख रुपया लग जाएगा नहीं आप यहाँ गलत यही तो समझना है कि डायमंड का जो प्योरिटी होता है वो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है तो ये जो आप आप सोच रहे हैं कि नाउ वन सिंगल डायमंड की जगह वन करेट की जगह टू करेट जाएंगे जैसे ही टू करेट पर जाएंगे ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ये जो पचास हज़ार जो देख रहे हैं ना पचास हज़ार सीधे पांच लाख में कन्वर्ट हो जाएगा सोचेंगे कि थ्री कैरेट करेंगे तो करोड़ों में भाग जाएगा वो पैसा सो डायमंड का जो बोला जाता है कि डायमंड का जो प्योरिटी होता है वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है साइज के ऊपर जितना बड़ा अगर बड़ा डायमंड है बहुत बड़ा डायमंड है करोड़ों अरबों में उसका पैसा जाता है डायमंड ये नहीं कि ये एक ये जो हो गया वन कैरेट का तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे दो कैरेट का दो से मल्टीप्लाई करेंगे टेन कैरेट का टेन से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं डायमंड का जो प्योरिटी डायमंड का प्राइस जो वैल्यू होता है वो उसके सेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा जितना बड़ा कैरेट होते गया जितना बिग डायमंड बड़ा साइज का उसका प्राइज मतलब आप समझिए कि न्यूज़ में एक बार देख रहा था कि बीस कैरेट डायमंड का बीस कैरेट डायमंड का नीलामी हुआ था दूसरे कंट्री का था पिंक कलर का डायमंड था वो मतलब कि कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है बीस कैरेट डायमंड का नीलामी हुआ था और दो सौ करोड़ में बिका था मतलब इतना प्राइस भागता है कि डायमंड का साइज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा और प्राइज एक्सपोनेंशियली भागेगा मतलब परचेज करने वाले लोग उसमें ऑप्शन लगाते हैं <laughs> होटल्स में बुलाया जाता है और लोग नीलामी लगाता बोली लगाता है कि हम लेंगे हम लेंगे ऐसे चलता है डायमंड का जो है प्राइस जो होता है वो उसके जो वैल्यू होता है उसका उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है जितना बड़ा साइज का डायमंड जैसे, जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड जो कोहिनूर था वो 700 समथिंग 740 50 के रेंज में कैरेट में था 700 हंड्रेड कैरेट समझ रहे अभी तो अभी तो छोटा हो गया कट कट के जिसके हाथ में गया उसने पॉलिश कराया अपने हिसाब से छोटा होते गया बट उसका जो वैल्यू है जो 700 हंड्रेड कैरेट का था जिस समय था उसका वैल्यू बोला जाता है कि इतना उसका वैल्यूबल उतना उस सिंगल डायमंड का प्राइस जो है जो इंडिया का जितना जी है हम लोग कंट्री का जितना एसेट्स है उसके 50 परसेंट के बराबर उस डायमंड का वैल्यू था 700 हंड्रेड कैरेट का तो डायमंड का बोलते हैं एक्सपोनशियली मतलब एक एक्सेस बढ़ते जाएगा अगर उसका साइज बढ़ेगा तो तो डायमंड ये सिंपल आप मान ली आप शोरूम में जाइए कोई भी जो डायमंड के शोरूम स्टैंडर्ड शोरूम होते हैं ज्वेल ज्वेलर्स के यहाँ वन करेट टू करेट थ्री करेट करके देख लीजिए कितना दाम बढ़ता है तो सिंगल डायमंड इसी में दो ले लीजिएगा दो डायमंड लीजिएगा तब नहीं बढ़ेगा दो डायमंड एक ही साइज का एक डायमंड यहाँ एक डायमंड यहाँ लगा रहेगा तब तो चलिए सेम साइज़ का रहेगा दो डायमंड रहेगा तो डबल पैसा हो जाएगा बट साइज़ बढ़ा डायमंड का जस्ट साइज डबल हुआ प्राइस एक्सपोनेंशियली भागेगा तो डायमंड में ये होता है कि डायमंड का इसीलिए इसकी जो प्योरिटी है इसका जो रेटिंग किया गया है कैरेट और कैरेट का मीनिंग है वेट वेट जो होता है वन कैरेट का मतलब टू हंड्रेड मिलीग्राम पॉइंट टू ग्राम सिंगल डायमंड हुआ, हुआ अब ये नहीं कि आपको डायमंड का रिंग पचास हजार में ही मिलेगा डायमंड का बहुत सारा डायमंड का रिंग जो होता है अब तो खैर गोल्ड ही इतना महंगा हो गया है तो डायमंड का रिंग पहले बीस हजार में भी आ जाता था दस हज़ार में भी आ जाता था ठीक है तो छोटे छोटे डायमंड वो वन कैरेट नहीं रहेंगे वन इसके जगह पॉइंट टू कैरेट पॉइंट वन कैरेट पॉइंट थ्री कैरेट ऐसे आता है डायमंड तो डायमंडट स्टैंडर्ड है बट इससे कम भी आता है मार्केट में ऐसा नहीं कि ये पचास हजार में ही डायमंड आएगा उससे कम प्राइस में भी डायमंड मिलता है अवेलेबल रहता है अच्छा गोल्ड का भी कैरेट है तो गोल्ड में भी मुझे पढ़ाना होगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये डायमंड का कैरेट और गोल्ड का प्योरिटी भी कैरेट में ही लेते हैं बट दोनों का मीनिंग अलग है दोनों का सेंस एकदम अलग है गोल्ड काफी समझिए तो नाइन गोल्ड यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट यहाँ भी कैरेट है पर इसका मीनिंग अलग है ये भी एक जनरल नॉलेज है देखते जाइए और आपके साइंस का पार्ट भी है और एक जनरल नॉलेज है वो कभी ना कभी लाइफ में इसका जरूरत पड़ेगा जो अभी मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको ना नंबर वन इसका कैरेट अलग है दोनों का डायमंड का भी कैरेट ही आता है गोल्ड का भी कैरेट ही आता है बट मीनिंग अलग है ना no. यहाँ हम लोग बोलते हैं ट्वेंटी फोर कैरेट अगर हम लोग ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड ये सब लोग जानते होंगे कि ये हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड होता है हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड ये अगर ट्वेंटी फोर कैरेट यहाँ कैरेट जो होता है वो परसेंटेज में जाएगा वो उसमें अमाउंट में गया था ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड अगर ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड है तो वो हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड हुआ हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड ये ठीक है देखिए हंड्रेड परसेंट तो लिखना गलत है इसको लोग ऐसे लिखता है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऐसे 99.99 परसेंट प्योर गोल्ड ऐसे ऐसे कई लोग इसको लिखता है 99.99 .99, ऐसे कई बैंक में हम लोग देखते हैं कि गोल्ड के पॉइंट के ऊपर 99.99 पॉइंट भेटा देता है लोग ऐसे लिखा रहता है ठीक है तो ये 100 परसेंट प्योर गोल्ड है 99.99 .99 या 99.99 चार बार लिखा रहता है ये जो है वो सॉफ्ट होता ये है, है तो ये सॉफ्ट रहेगा ऐसा सॉफ्ट रहेगा ठीक है तो ये सॉफ्ट तो ट्वेंटी फोर कैरेट प्योर गोल्ड जो रहेगा ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड वो हंड्रेड परसेंट प्योर हंड्रेड आइडियल चीज़ें हो गया आइडियल नहीं लिख सकते हैं आपको लिखना होगा तो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन जो कि नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन करके ऐसे लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा ये सॉफ्ट रहे होता है और ये मिलता है अवेलेबल होता है द क्वाइन के फॉर्म में ठीक है और बार के फॉर्म में क्वाइन और बार के फॉर्म में ये जो गोल्ड का फॉर्मेट है ये बैंकिंग सेक्टर में ये मिलेगा जैसे दिवाली अभी बीता छठ पूजा आने वाला है फिर धनतेरस के टाइम में जो बैंक बैंक जो सेल करते हैं बैंक अपने जो कस्टमर को गोल्ड गोल्ड सेल करते हैं तो गोल्ड का जो क्वाइन रहता है गोला गोला क्वाइन रहेगा या गोल्ड का छोटा छोटा बार रहता है तो वो वो प्योर गोल्ड रहता है वो 99.99 नाइन .99 पॉइंट गोल्ड रहेगा वो प्योर गोल्ड है या आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने स्टॉक में जो गोल्ड का रखता है अपने यहाँ स्टॉक गोल्ड का स्टॉक रखा जाता है वो वो इसी फॉर्म में रहता है इसी फॉर्म में ट्वेंटी तो फोर कैरेट गोल्ड ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड जो होता है ये प्योर गोल्ड है अल्ट्रा प्योर गोल्ड है हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड है ये क्वाइन के फॉर्म में या बार के फॉर्म में अवेलेबल है इसका ज्वेलरी नहीं बनेगा ये सॉफ्ट होता है बहुत सॉफ्ट होता है ये ऐसे पेन इतना बड़ा पेन भी ले, ले लेंगे ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड का और दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे बेंड करेंगे मुड़ जाएगा मुड़ जाएगा तुरंत मुड़ जाएगा तो इसका हम लोग कोई ज्वेलरी डिजाइन करने में नहीं यूज करते तो गोल्ड ये मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंक में एस या जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो जह, कहीं भी जाइएगा वहाँ बैंक मैनेजर से बोलिएगा कि मुझे गोल्ड चाहिए तो वो गोल्ड बेचते हैं वो गोल्ड का कोइन देते हैं गोल्ड का बार देंगे या फिर क्वाइन के फॉर्म में ये उस पर लिखा रहेगा नाइन 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 ये रहा आपका नेक्स्ट नेक्स्ट समझना है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड गोल्ड के कई फॉर्म होते हैं ट्वेंटी टू कैरेट होता है ट्वेंटी फोर कैरेट होता है एटीन कैरेट गोल्ड में आता है तो उसका मीनिंग आपको समझना है नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड आप समझिए तो पहले बात समझिएगा ट्वेंटी फोर कैरेट ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड जो ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड है इसका मतलब बोला जाता है कि हंड्रेड परसेंट प्योर प्योर गोल्ड है और अगर इसमें 24 फोर की जगह 22 टू कैरेट अगर मैं 22 टू कैरेट गोल्ड के बारे में बात करूँ तो 22 टू कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ 100 डिवाइड बाय 24 फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू परसेंट ये हुआ ना सॉल्व करके देख लीजिएगा सॉल्व करिएगा तो 91.6 परसेंट नाइन्टी वन परसेंट प्योर गोल्ड है ये जानना है आपको जानना है ये चीजें जानना है आपको समझिए आप ये एक जनरल नॉलेज का है जो आपको चीजें जानना चाहिए और जरूरत पड़ेगा आपको लाइफ में कभी ना कभी इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है सो so, अब आपने सीखा कि कभी आपको लिखा रहेगा ट्वेंटी टू कैरेट ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड जो रहेगा वो उसका मतलब हुआ 91.6 वन पॉइंट सिक्स परसेंट गोल्ड ये ऐसे ठीक है अब देखिए इसका कोडिंग समझिए इसका कोडिंग इसका कोडिंग होता है 91.6 परसेंट गोल्ड रेस्ट अमाउंट जितना भी हो गया जो 8.4 परसेंट है उसमें कॉपर रहता है सिल्वर रहता है एलमिनियम यूज किया जाता है तो 91.6 इसका कोड हुआ इसका कोड वर्ड यूज करते हैं 916 916 कोड ये कोड दिया हुआ वो ऑल ओवर वर्ल्ड का इंटरनेशनल कोडिंग है नाइन वन सिक्स ये जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड गोल्ड हुआ थोड़ा सा हार्ड है हार्ड गोल्ड ये हार्ड हुआ ट्वेंटी फोर वाला सॉफ्ट होता है ट्वेंटी फोर वाला जैसा अगर आप पेन लेंगे उसको ट्वेंटी फोर कैरेट प्योर गोल्ड को मोड़ेंगे मुड़ जाएगा इसमें जो है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड में ये नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स गोल्ड है रेस्ट एट पॉइंट फोर परसेंट जो है कॉपर सिल्वर एलमिनियम सम हार्ड मेटल लेट, मिक्स किया जाता है उसके अंदर जिससे कि वो हार्ड गोल्ड हो जाएगा हार्ड गोल्ड होगा तो ये गोल्ड जो होता है यूज इन डिजाइन ऑफ ज्वेलरी यूज इन डिजाइन ऑफ ज्वेलरी सो so, ज्वेलरी डिजाइन करने में यूज किया जाता है गवर्नमेंट कितनी बार न्यूज पेपर में ऐड देता है या टीवी पे ऐड आएगा कई कंपनियां भी अपने ऐड देती हैं कि कभी भी ज्वेलरी परचेज करिए कभी भी ज्वेलरी परचेज करना है कहीं भी कोई भी आप अभी तो गोल्ड इतना महंगा हो गया है इतना महंगा फिर भी आप अगर कोई भी ज्वेलरी लोग परचेज करता ही हैं ज्वेलरी पूजा हो धनतेरस का टाइम हो शादी ब्याह का टाइम होता है परचेज़ करते ही हैं तो मान लीजिए सिंपल ज्वेलरी भी अगर ये रिंग परचेज कर रहे हैं गोल्ड का आप रिंग ले रहे हैं गोल्ड रिंग ले रहे हैं तो वो हमेशा गवर्नमेंट बोलता है कि आप आप रिंग लेते समय ये नहीं कि वो वो सामने दुकानदार बोल रहा है आपसे कि मैं प्योर गोल्ड दे रहा हूँ तो उनकी बातों में नहीं आना है बात में नहीं आना आप आप उनसे गवर्नमेंट का कितना बार न्यूज़पेपर में मैं ऐड दिया तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप उनसे बोलिए कि वो गोल्ड रिंग ले रहे हैं तो उनसे बोलिए कि मुझे ये कोड दिखाइए 916 कोड दिखाइए कहाँ लिखा हुआ उस पर कोड बिना कोड देखे हुए ये जो कोड है इसको कोड बिना देखे हुए आपको एक भी ज्वेलरी नहीं लेना है और भी कोडिंग है फाइव डिफरेंट मार्किंग रहता है बट प्राइमरी कोडिंग नाइन 916 देखना है गोल्ड के रिंग के अंदर में कहीं ना कहीं अंदर में ये लिखा रहेगा 916 जरूरी है ये देखना है 916 लिखना जरूरी रहता है ऐसे नहीं दिखेगा कई बार बहुत महीन लिखा रहता नहीं दिखेगा तो वो लेंस देंगे मैग्नीफाइंग ग्लासेस देंगे आप उनसे बोलिए कि हाँ मुझे दिखाई कि आपके ज्वेलरी पे नाइन वन सिक्स लिखा है कि नहीं ये ये कितनी बार गवर्नमेंट देता है बोलता है एड न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि ज्वेलरी खरीदने से पहले प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लें कि उसके कोडिंग है कि नहीं नाइन वन सिक्स नाइन वन सिक्स कोड है इसका मतलब वो ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड है अगर नहीं है कोडिंग तो नहीं लेना है बात में नहीं फंस जाना है बाद में लोग बोलेगा कि हाँ ये मेरा प्योर गोल्ड है उसमें मत फँसे फिर तो चिटिंग हो जाएगा ठीक है उसके साथ और भी कई कोडिंग रहता है नाइन वन सिक्स कोडिंग है उसके बाद ऐसे बी आई एस का मार्किंग रहता है बी आई एस का ऐसे ट्रेंगुलर मार्क देखा जाता है ऐसे ट्रेंगल टाइप का मार्क रहता है कई कोडिंग प्राइमरी कोडिंग ये देखना है वो रिंग के अंदर में एकदम महीन महीन लिखा रहेगा नाइन वन सिक्स आँख से दिख जाएगा नहीं दिखेगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है उसके बगल में बी आई एस मार्किंग रहता है बी आई एस का मतलब होता है गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफाइड किया है कि हाँ ये रियली नाइन वन सिक्स है तो वो मार्क्स देखना है ईयर कोडिंग रहता है कुछ कोडिंग रहता है ऐसे पी रहेगा क्यू रहेगा आर रहता है एस रहता है टी कोई ना कोई ये कोड रहता है वो कोड बताता है कि किस साल बना हुआ है मान लीजिए दो हज़ार बीस का है कोडिंग है दो हज़ार बीस का कोई कोडिंग रहेगा तो दो हज़ार उन्नीस का कोडिंग अलग रहता है दो हज़ार अठारह का कोडिंग अलग रहता है तो वो वो बताएगा कि कहीं जो ज्वेलर्स है काफ़ी पुराना पाँच छः साल पुराना आपको स्टॉक तो नहीं दे रहे हैं तो वो कोडिंग देखना पड़ता है कि नए नया जो डिजाइन है वो है कि नहीं फिर और भी रहता है कोडिंग और फोर्थ रहता है कि जो ज्वेलर्स है उसका कोडिंग रहेगा कि किस दुकान से आप ले रहे हैं उसका कोडिंग जरूरी है तो ये सब बिना देखे हुए नहीं लिया जाता है ये ये आपको जरूरत पड़ेगा और साइंस का पार्ट है ये सब आता है पेपर में आता है कि ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का मतलब कितना परसेंट गोल्ड है तो 91.6 यही 91.6 इंटरनेशनल कोड बन गया ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कोडिंग हो गया कि 916 देखना है तब जाके कोई भी ज्वेलरी कोई भी ले रहा है कोई भी आप चेन ले रहे हैं रिंग ले रहे हैं एनी टाइप का ज्वेलरी है तो हर ज्वेलरी पे ये कोडिंग बिना देखे हुए मार्किंग देखे हुए ईयर कोड एंड दुकानदार का जो जिस शोरूम से ले रहा है उसका अपना कोडिंग होना चाहिए ये मिनिमम चार कोडिंग बोला जाता है कि देख के ही लेना है नहीं देखेंगे उनके बातों पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ वो दुकानदार बोलेंगे कि मेरा प्योर है कभी भी आइएगा रिटर्न कर लूँगा जैसे ही बातों में फंस जाइएगा चिटिंग हो जाएगा क्योंकि आपसे पैसे तो वो इसका लेंगे पैसे तो ट्वेंटी टू कैरेंट बंद इतना का पैसा देंगे और देंगे आपको एकदम फिफ्टी परसेंट गोल्ड दे देंगे फिफ्टी परसेंट मिक्सिंग कर देंगे उसके अंदर तो बातों में नहीं फंसना है फंसने के बाद चिटिंग हो जाता है तो गवर्नमेंट बार बार ऐड देते रहता है कि आप ज़रूर इन कोडिंग को देखते ही उसके बाद ही आप परचेज करें ज्वेलरी तो ये आपको पढ़ना भी है नेक्स्ट कोडिंग होता है कि एटीन कैरेट गोल्ड तो एटीन कैरेट प्लानिंग करते हैं ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड का मतलब हंड्रेड परसेंट प्योर रहेगा और अगर मैं यहां पे एटीन कैरेट गोल्ड कर दूं, तो यहां पे एटीन करेंगे यहां पे, सो so एटीन करते ही ये चेक कर लीजिए थ्री हुआ फोर हुआ सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट गोल्ड ये सेवेंटी फाइव परसेंट गोल्ड ठीक है सो जैसे ही आप 18 कैरेट गोल्ड आप बातें करते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड होता है तो 18 कैरेट गोल्ड में यहाँ 75 ये 75.0 परसेंट बोलते हैं गोल्ड होता है इसका कोडिंग इंटरनेशनल कोडिंग बन गया 750 750 25 परसेंट मिक्सिंग है ये और हार्ड हो जाएगा वेरी हार्ड गोल ये जो है वेरी हार्ड गोल यूज इन डिजाइन ऑफ डायमंड ज्वेलरी ये डायमंड ज्वेलरी में ये यूज करते हैं आप नोट करिएगा मैं समझाता डायमंड का ज्वेलरी अब समझिए अगर आपने प्लान किया है कि मुझे एक गोल्ड का रिंग लेना है जिसमें डायमंड हो और गोल्ड रिंग विथ डायमंड उसके साथ साथ इसमें एक डायमंड लगा हो ठीक है तो डायमंड मान लीजिए वन कैरेट डायमंड हो आपने प्लान किया कि मुझे एक गोल्ड का रिंग लेना है और गोल्ड के रिंग के साथ मुझे एक डायमंड लेना है ऐसे डायमंड अटैच रहना चाहिए तो बताइए गोल्ड और डायमंड कौन महंगा डायमंड कौन हार्ड डायमंड तो डायमंड को पकड़ने के लिए डायमंड को अटैच करने के लिए फिक्स करने के लिए जो गोल्ड है उसका हार्डनेस बढ़ाना पड़ेगा 22 कैरेट में नहीं पकड़ पाएगा 24, 24 कैरेट तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है मोनली फॉर इन्वेस्टमेंट आर या बैंकिंग सिस्टम उसको यूज करते हैं ट्वेंटी से स्टार्ट होता है ज्वेलरी बनाना ट्वेंटी कैरेट से ज्वेलरी बनाना डिजाइनिंग शुरू हो जाएगा क्योंकि तो उसमें कुछ मिला करके हार्ड किया जाता है बट स्टिल 22 कैरेट अभी भी उतना हार्ड नहीं है कि डायमंड को पकड़ सके तो डायमंड का जितना ज्वेलरी डिजाइन होता है डायमंड के डिजाइनिंग में जो भी चेन ले रहे हैं जिसके अंदर डायमंड है रिंग ले रहे हैं ब्रेसलेट ले रहे हैं जो भी डिजाइन किया जाएगा डायमंड ज्वेलरी में सब में एटीन कैरेट गोल्ड यूज़ होता है क्योंकि एटीन कैरेट गोल्ड में सेवेंटी गोल्ड है ट्वेंटी मिक्सिंग कर दिया जाएगा सिल्वर का हार्ड मेटल का कॉपर का एलुमिनियम का जिससे कि इसका हार्डनेस बढ़ जाए और जब हार्डनेस बढ़ जाएगा तो वो डायमंड को पकड़ लेगा क्योंकि डायमंड वेरी हार्ड है उसको एकदम तो कैरी करने के लिए तो महंगा हुआ डायमंड प्राइस ज़्यादा है ऐसा नहीं कि 22 में डिजाइन करिएगा डायमंड रखिएगा डायमंड निकल के गिर जाएगा तो डायमंड को कैरी करने के लिए गोल्ड को हार्ड बनाना पड़ेगा वो हार्ड जो होता है वो एटीन कैरेट अदर कंट्री का जो ज्वेलरी होता है जैसे इटालियन ज्वेलरी होता है मार्केट में है आप जिस शहर में भी रहते हैं तो लोग बोलते हैं इटालियन ज्वेलरी है बाहर से आया है इटली से आया है वो बड़ा महंगा है तो लोग ज्वेलरी शोरूम में इटालियन ज्वेलरी लोग बेचते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इटालियन ज्वेलरी में एटीन कैरेट सिक्सटीन कैरेट होता है आप प्राइस दे रहे हैं जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आज जो है गोल्ड जो है गोल्ड का रेट है गोल्ड का रेट मान लीजिए फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ है इतने रुपीज़ है पर टेन ग्राम और टेन ग्राम ट्वेंटी फोर कैरेटर ट्वेंटी फोर कैरेट कैरेक्टर तो मार्केट में चिटिंग होता है चिटिंग होता है बोले आपको ज्वेलरी खूब बढ़िया ज्वेलरी दे देंगे इटालियन ज्वेलरी है डिजाइनिंग खूब सुंदर रहेगा देखने में खूब साइनिंग आएगा आपको दे देंगे आप परचेज कर लोगे लगेगा कि बड़ा सुंदर है बहुत अच्छा है ठीक है आप परचेज कर देंगे प्राइस आप पैसा इसका पे कर रहे हैं पैसा आप इतना पे करेंगे पर टेन ग्राम के लिए इतना पे करेंगे बट उसमें है कहाँ उसमें तो 75 परसेंट ही है गोल्ड बाकी 25 परसेंट क्योंकि वो सब बनता है 18 कैरेट और 16 कैरेट से बनता है तो हमेशा गवर्नमेंट बोलता है कि जब भी आप ज्वेलरी परचेज करें तो वो इस कोडिंग को देख के पैसा दें ये नहीं कि बस आपको डिजाइन पसंद आ गया और आप उसने जिसने कुछ बोला आपने पूरा पेमेंट कर दिया आप उनसे हिसाब दीजिए बोलिए कि आप कैसे ले रहे हैं आप ये जो है ट्वेंटी फोर कैरेट का रेट है जबकि ये 75 25% परसेंट परसेंट इसमें तो इंप्योरिटी है तो इसका जो 75 परसेंट पैसा हुआ वही देना है आपको तो लोग इसको समझते नहीं हैं लोग चिटिंग हो जाते हैं कोडिंग देखना बहुत जरूरी है विदाउट कोडिंग लीजिएगा जैसे गांव का ज्वेलरी होता है गांव साइड में या छोटे शहर का ज्वेलरी होता है तो उसमें कहीं कोडिंग नहीं रहता है लोग बोलता है कि आप ले जाइए जब लौटाइएगा मैं ले लूँगा सब बहुत सारा बातें होगा वो सब पंद्रह कैरेट का होता है सोलह कैरेट का होता है जल्दी होता है और आप जब इमरजेंसी जब जरूरत पड़ेगा अब आप ज्वेलरी को सोचेंगे कि मैं उसको सेल करूँ कैश की ज़रूरत होगी तो उस समय देखिएगा पता चलेगा चिटिंग हो गया पैसा तो आपने इसका दे दिया और जब आप उसको रिटर्न मांगने जाएंगे कि मेरा पैसा दीजिए तो वो इसके हाफ कर देगा लोग तो ये सब जानना है आपको कैरेट जो है डायमंड का भी प्योरिटी होता है और गोल्ड का भी प्योरिटी होता है बट दोनों का सेंस अलग अलग होता है और ये ज्वेलरी डिजाइन करते समय जानना है कि 24 फोर कैरेट वो तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के लिए है क्वाइन के फॉर्म में बार के फॉर्म में अवेलेबल है 18 कैरेट और 22 कैरेट दो ज्वेलरी बनता है जो ट्वेंटी कैरेट है वो स्टैंडर्ड ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी में यूज होगा एटीन कैरेट है गोल्ड ज्वेलरी जिसके अंदर डायमंड है उसके अंदर एटीन कैरेट यूज होता है कभी भी ज्वेलरी कोई भी ले एकदम आप उसको बिना कोडिंग देखे हुए नहीं लेना है कोडिंग देखना है चेक भी कर लेना है कोडिंग के बाद भी कई बार होता है कि कोडिंग के बाद भी छिटिंग होता है तो हर बड़े बड़े शोरूम में कैरेटोमीटर आता है इजिली अवेलेबल रहता है दो मिनट सिर्फ टाइम दीजिएगा बोलिएगा कि हमें चेक करा दीजिए खुद जाके चेक कर सकते हैं हम लोग तो लेते हैं तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं वो कोडिंग पर भी बिलीव नहीं करते बीच में ऐसा चला था पटना में मार्केट ऐसा चला था कि, कि लोग जो है आर्टिफिशियल मशीन अपने घर में मशीन बिठा करके कोडिंग कर लेता था कोडिंग कर करके बेचते रहें ट्वेंटी टू कैरेट नाइन वन सिक्स सब बी एस मार्किंग है तो आया था न्यूज में तो उससे बढ़िया है कि आप बिलीव ना करके सीधे कैरेटोमीटर पर जाएँ खड़े होकर दो मिनट टाइम दें चेक कर लीजिए कि हाँ मेरा ज्वेलरी कितने कैरेट का है वो मैंने बताया था एक्स रे एक्स रे हार्ड एक्सरे इमिट होता है और जो जल्दी पे जाएगा अंदर जाके कितना परसेंट गोल्ड है वो सब बता देगा तो ये होता है गोल्ड के जल्दी के, के लिए तो ये है कैरेट कैरेट यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ गोल्ड यूनिट फॉर प्योरिटी ऑफ द डायमंड ये जनरल नॉलेज का टॉपिक था तो ये कंप्लीट हुआ और जब आप बड़े हो जाएंगे ऑफकोर्स रिच पर्सन बनेंगे बिग ऑफिसर बने डॉक्टर बने इंजीनियर बने और जब बहुत सारी पैसा आ जाए आपके पास अभी तो हम आप डिपेंडेंट हैं मैं नहीं मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ पेरेंट डिपेंडेंट नहीं हूँ आप अभी पेरेंट डिपेंडेंट हैं और एक दिन बड़े बनेंगे मुझसे कई गुना बड़े बनेंगे अब बनेंगे ऑफ़ ऑफकोर्स बनेंगे आप ठीक है तो फाइनेंशियल क्योंकि आ, आई के अंदर जो हम लोग आई टी में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो कि टेक्निकल लाइन से अलग हुआ करता था जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है मशीन ड्राइंग है इंजीनियरिंग ड्राइंग है ग्राफिक्स पढ़ना है बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना है बट हर सेमेस्टर में देखते थे एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लग जाता था एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लगा देते थे कभी एक सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी लगा देते थे कभी एक एक सब्जेक्ट ओसन वेब लगा देते थे हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट अलग टाइप का अर्थक्विक का सब्जेक्ट लग जाता था तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लगता था तो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था पढ़ाया जाता था अब चारों सेमेस्टर चार आठ सेमेस्टर हुआ ना चार फोर चार ईयर हुआ आठ सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एक नया यूनिक सब्जेक्ट अटैच किया जाता था जैसा इकोनॉमिक्स लगा तो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता था हम लोगों और वो सब काम देता है वो सब बहुत काम मुझे तो बहुत ज़रूरत पड़ा उन सब चीज़ों का कि जैसे मान लीजिए आपके पास जब आप जॉब कर रहे हैं पैसे आना शुरू हुआ और मान लीजिए आपके पास वन लाख रुपये आपने दो तीन महीने सेविंग किया एक लाख रुपया आ गया आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास दो ऑप्शन है दो ऑप्शन में एक है डायमंड एक आपने सोचा कि मैं डायमंड खरीद लेता हूं, एक आपने सोचा कि गोल्ड लेता हूं, गोल्ड लेता हूं। और भी बहुत इन्वेस्टमेंट होते हैं और भी इन्वेस्टमेंट होते हैं बट अभी मैं डायमंड और गोल्ड आपको समझा रहा था, था। अगर आपके पास जस्ट एक लाख रुपए है और आपको इन्वेस्ट करना है मनी को इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करना होता है कि हमें डायमंड में और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करिएगा कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है कई लोग सोचते हैं डायमंड में कर लेते हैं डायमंड सिंबल होता है स्टेटस सिंबल होता है कभी भी नहीं कभी नहीं इधर तो कभी जाना ही नहीं है रूल्स ऑफ इकोनॉमी है कभी भी इधर नहीं इधर जाना है गोल्ड साइड में बोला जाता है पूरे इकोनॉमिक्स का जो बोला जाता है कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ द मनी मनी का जो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी जो है उसको बोला जाता है कि गोल्ड अब कई लोग क्लास में बोलते हैं कि सर गोल्ड लिक्विड कैसे हो गया लिक्विड कैसे हो गया गोल्ड तो सॉलिड है सब लोग घर में यूज करते हैं सॉलिड तो सॉलिड केमिस्ट्री है बट इकोनॉमिक्स के फॉर्म में बोला जाता है कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो फॉर्म ऑफ द मनी गोल्ड इकोनॉमिक्स का समझिए मतलब मोस्ट लिक्विड लिक्विड का मतलब फ्लो करना चलता है चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जो कॉमन करेंसी है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो है गोल्ड अगर आपके पॉकेट में गोल्ड रहेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा करेंसी सबसे प्राइमरी तो करेंसी माना जाता है कि नोट है तो वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन है सेकेंडरी माना जाता है गोल्ड को अगर आपने एक लाख रुपए ये यूज कर लिया इन दोनों में परचेज कर लिया अगर डायमंड को आप पाँच साल बाद आपको कभी प्रॉब्लम हुआ कोई जरूरत पड़ा इमरजेंसी हुआ कि आपको पैसे की जरूरत है और डायमंड जब बेचने जाएंगे तो वो एक लाख का डायमंड जो होगा पचास हजार साठ हजार में बिकेगा लॉस होगा आपको वही गोल्ड एक लाख का गोल्ड जो पांच साल बाद बेचेंगे तो वो तुरंत सडन एक मिनट के अंदर वो दो लाख ढाई लाख में बिक जाएगा इसका कोई परचेज करने वाला नहीं मिलेगा इसकी जो टेस्टिंग लैब जो है बहुत कम है कोई ज्वेलर्स इसको परचेज करने के लिए तैयार नहीं रहेगा ये तो एनी टाइम बोलते हैं कि एनी टाइम किसी को कहीं भी किसी ज्वेलरी शॉप में ले जाएंगे तुरंत बिकेगा तुरंत बिक जाता है तो इसलिए बोला जाता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो है गोल्ड कि गोल्ड आपके पाक पॉकेट में है तो आप उसको कभी भी कभी भी कहीं भी, कहीं भी किसी कंट्री में भी कैश करा सकते हैं उसको इसलिए इसको लिक्विड लिक्विड का मतलब फ्लो बहता है हर जगह ये चलता है वो इकोनॉमिक्स का टर्म है तो गोल्ड सबसे सब बेस्ट आ ऐसे आप आ, न्यू जेनरेशन के स्टूडेंट हैं तो ये ओल्ड जनरेशन का था ओल्ड जनरेशन का मतलब मेरे फादर के टाइम में या मेरे टाइम में भी काफ़ी सुटेबल था बट न्यू जनरेशन जो आप नए स्टूडेंट हैं नए जनरेशन के हैं तो अब ये चीज़ें भी फेल हो गया अब इकोनॉमिक्स में इसको भी हटा करके मतलब कई फैक्टर होता है एक तो होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें ज़मीन में इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें कई तरीका होता है तो ये तो रॉन्ग वे है गोल्ड को भी अब लोग बहुत अच्छा नहीं मानता है क्योंकि इससे जो है हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट करने से अदर ऑप्शन जैसे मेरा भी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में मैंने मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ मैं मार्केट में जाता हूँ मार्केट जो निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक मार्केट होता है म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें मैं जाता हूँ उससे होता है कि उससे हमारा कंट्री का ग्रोथ होता है जैसे मेरे पास एक लाख रुपए है तो एक लाख रुपए का मान लीजिए कि आपने सोना खरीदा एक क्वन खरीदा एक लाख रुपए का ले करके अपने घर के लॉकर में बंद कर दिया तो वो एक लाख रुपया क्या हुआ लॉकर में बंद हो गया पाँच साल तक वो लाख रुपए लॉकर में बंद रहा पूरा कंट्री का इकोनॉमी जो हुआ लॉकर के अंदर बंद है बट वही एक लाख रुपए का अगर मैं लॉकर में बंद न करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, कहीं किसी भी सेक्टोरल फंड में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वो एक लाख रुपया मार्केट में आएगा जिस फंड में इन्वेस्ट करूंगा उस फंड के ग्रोथ में यूज होगा उससे लोगों को काम मिलेगा रोजगार मिलेगा कंट्री बढ़ेगा और ऑफकोर्स रिटर्न मिलता ही है जब कोई फंड ग्रोथ करता है तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा बल्कि कई बार तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है तो जो न्यू जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं नए लोग हैं वो लोग अब जो है गोल्ड की तरफ नहीं गोल्ड हमारे कंट्री के इकोनॉमिक को ब्लॉक करता है और कई बार आ चुका है न्यूज़पेपर में कई बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि प्लीज़ आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत करें वो पैसे को लॉक कर देता है म्यूचुअल फंड है बैंकिंग सेक्टर है अदर ऑप्शन है कई ऑप्शन है उनमें इन्वेस्ट करें जिससे कि मनी मनी रोटेशन होना चाहिए मनी रोटेशन होगा तो जैसे मान लीजिए सोचिए कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए मेरे पास एक करोड़ रुपया आए अब मैं क्या, क्या किया कि एक करोड़ रुपया ले करके उस सारा पैसा को गोल्ड खरीद लिया जाके अपने घर में कहीं एक लॉकर बनाया छुपा दिया अब एक करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा एक करोड़ का गोल्ड खरीद के लॉकर में रख करके बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ कि पूरा कंट्री का इकोनॉमी एक, एक लॉकर के अंदर बंद हो गया अब दूसरा सेंस समझिए कि मेरे पास एक करोड़ रुपए आया एक करोड़ रुपए में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा क्लासरूम बनाऊं, ए सी लगवा दूं, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी दे दूं, तो मैंने तुरंत पैसे को डिवाइड किया दस मजदूर को बुलाया दस लकड़ी वाले को बुलाया दस प्लम्बर को बुलाया दस मतलब ऐसे टीम बुलाया हर लोग को पूरा छः महीने का वर्क दिया कि भाई आप पहले कंस्ट्रक्शन वर्क करिए दूसरे टीम को बोला कि आप इलेक्ट्रिक का वर्क करिए तीसरे टीम को बोला कि आप फिटिंग का वर्क करिए दूसरे और अगले टीम को बोला कि आप कारपेंट्री का वर्क करिए तो मेरे पैसे का जो एक करोड़ रुपये पे उस पर कितने लोग को रोजगार मिला पचास लोग का काम मिला दस लोग आया लकड़ी का काम किया दस लोग आया जस राजमिस्त्री का काम किया दस लोग आया गिट्टी गिलाया सीमेंट लाया दस लोग बालू लाया और छः महीने तक ये रोटेशन चलते रहा तो उससे होता है क्या है कि ये मनी जब रोटेट करेगा ऐसे घूमेगा मेरा पैसा लेबर ने लिया कारपेंटर ने लिया प्लम्बर ने लिया इलेक्ट्रिशियन ने लिया ब्रिक ने लिया उनके घर में पैसा गया और मनी घूमते रहा तो उससे क्या होता है कि कंटेक्ट डेवलप करें मनी का जब रोटेशन होता है हर मेरा पैसा सबके घर में ऐसे घूमते रहेगा घूमते रहेगा तो उससे डेवलप होता है हर एक लोग को काम मिलेगा हर लोग के घर में पैसे जाएगा हर लोग के घर में हैप्पीनेस जाता है तो वो रियल डेवलपमेंट कहलाता है कंट्री का अगर वही एक करोड़ को लेकर के अब सोना खरीद के मैं लॉक कर दूँ और चुपचाप चुप बैठे रहूँ तो पूरा पाँच साल के लिए लॉक हो गया मेरा पैसा एक पूरा कंट्री का एक करोड़ रुपये एक बॉक्स के अंदर बंद है तो ये बोला जाता है कि इससे गोल्ड से होता है कि हमें कंट्री को लॉस होता है तो इससे बढ़िया अदर इन्वेस्टमेंट होता है कि आप म्यूचुअल फंड जो होते हैं शेयर मार्केट होते हैं वो जब आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे सब आपको समझ में आने लगेगा तो अनिक बॉन्ड क्लोज करें हम लोग लास्ट लेक्चर तो जनरल नॉलेज का है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इससे सीखते हैं इससे और है भी साइंस का पार्ट भी है आपका तो अनिक बॉन्ड फाइनल बच गया बैकबोंड